Hello friends, welcome to DKG Gola Classes, and today I'm going to give you a brief insight about the syllabus of mathematics of CA Foundation. As we know, third papers of CA Foundation is related to maths, and complete name of that paper is Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics. Right, as we know, this is an optional, this is an objective paper, right? Out of four paper, two papers are objective, and this one is also objective one, right? That has a negative marking as well of 1/4, that is 0.25%, right? So this paper has been divided into three parts. Basically, one is the business mathematics, another is logical reasoning, and third one is statistics, right? ये जो है 40 marks का है, weightage इसकी 40 marks की है, that is 40%, और इसकी जो weightage है, that is logical reasoning, 20 marks की है, that is 20%, and statistic की जो weightage है, वो है 40 marks की, that is 40%, right? So डिटेल में देखने के लिए कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स की वेटेज रखता है, हम आगे बढ़ते हैं. ओके, या सो एज यू कैन सी देर आर एट चैप्टर इन द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज फर्स्ट चैप्टर इज रिलेटेड टू रेशियो, प्रोपोर्शंस, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स. सो इसके अंदर दूसरा है इक्वेशन एंड मैट्रिक्स, देन लीनियर इन इक्वालिटीज. तो ये थ्री चैप्टर्स जो हैं आपके, ये कितनी वेटेज रखते हैं? 22-30% की, 22-30% से इसके अंदर से होती है. और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वेटेज है 30-40%. ध्यान रखें कि टोटल जो वेटेज थी हमारी बिजनेस मैथमेटिक्स की, वो 40% थी. कितनी थी? 40%, यानी कि 40 मार्क्स, 40%, यानी कि 40 मार्क्स. सो ये 40%, यानी 40 मार्क्स का 22-30% है, 100 मार्क्स का नहीं, ठीक है? सो 22-30% जो है 40 में से आएंगे, जैसे कि 8 से 12 मार्क्स का, 8 से 12 मार्क्स का इन तीन चैप्टर से आएगा. दैट मीन 22-30% ऑफ 40, राइट? अब यहाँ पर जो है टाइम्स वैल्यू ऑफ मनी जो है 30-40% आएगा. ये कितना इंपॉर्टेंट है, देखो अकेले चैप्टर से कितना आ रहा है, 30-40%. फिर उसके बाद बाकी की जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, ये जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉन्सेप्ट, सीरीज एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, सेट फंक्शन रिलेशंस एंड डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलेशंस, ये जो आएगा आपका, ये पूरा जो टॉपिक है, जो लास्ट वाला मैंने बताया है, ये आपका 30-40% आएगा. तो इस तरीके से आपका ये 22-30% और ये 30 टाइम वैल्यू ऑफ मनी 30-40% और ये रिमेनिंग जो चैप्टर 5-8 चैप्टर 30-40% आते हैं. ओके, नाउ गोइंग अहेड, लॉजिकल रीजनिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, राइट, इन नेचर. सो यहाँ से लेकर के, यानी कि चैप्टर 9 से लेकर के, जो कि नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग से रिलेटेड है, एंड देन अनदर चैप्टर इज डायरेक्शन टेस्ट, किस डायरेक्शंस के बारे में इसमें पूछता है. फिर सीटिंग अरेंजमेंट्स है. सो ये जो तीन टॉपिक है, 9 to 11, दैट इज 9, 10 एंड 11, ये आपके लगभग 60-70% जो है मैटर कवर करते हैं. कितना? 60-70%. और अगेन ये 20 मार्क्स का है, तो टोटल जो लॉजिकल रीजनिंग था हमारा, तो उसका 60-70% है. जैसे 60% की बात करें तो लगभग 12 मार्क्स का इन चैप्टर से आएगा. और बाकी जो बचे वेरी सिंपल चैप्टर्स, दैट इज ब्लड रिलेशंस एंड सिलोजिज्म, सो ये कितने का आ रहा है? ये आ रहा हमारा रिमेनिंग जो बचा, यानी कि 30-40% अप्रोक्स, ठीक है? 30-40% इससे आता है, राइट? उसके आगे चलते हैं. लास्ट पोर्शन बचा है हमारा स्टैटिस्टिक का. एज वी ऑलरेडी नो, इट हैज वेटेज ऑफ 40 मार्क्स. हाउ मच? 40 मार्क्स की, यानी 40% की वेटेज है इसकी, ठीक है? अब इसके अंदर जो 14 एंड 15 चैप्टर्स है, दैट इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ डेटा एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिप्रेशंस. सो ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ये 45-50% आता है,
इसकी वेटेज इतनी है, ठीक है. नाउ अनदर चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस. ये जो चैप्टर्स हैं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ईजी भी हैं. क्या है, 25% टू 30% वेटेज जो है इससे है इसकी, यानी इतना आएगा. अगेन 40 में से है ये सारा, 40 में से 40-50% जो आएगा 40 मार्क्स में से है ये, 25-30% जो है 40 मार्क्स में है, राइट. 100 में से नहीं है बिकॉज सेक्शन वाइज ये वेटेज है, राइट. अनदर रिमेनिंग चैप्टर्स दैट इज चैप्टर 18 एंड चैप्टर 19. चैप्टर 18 इज रिलेटेड टू कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड है ये, सॉरी एंड है ये, that is end correlation and regression, and another is index number and time series. So ये जो है ये आपका correlation and regression जो है again 10-15% है, ये इतने परसेंट का आता है. और ये जो बचा है चैप्टर फाइनली ये कितने का आता है, 10-15% आता है. सो एक बार देख लेते हैं, ये जो दो चैप्टर्स हैं 14 and 15, 45-50 मार्क्स का. प्रोबेबिलिटी एंड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 25-30 मार्क्स का एंड 30% सॉरी 25-30% ये परसेंट में है सारा. ध्यान रखे ये 40 मार्क्स है या 40% है, बात एक ही रहेगी क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर है आपका. लेकिन ये जो बता रहा हूँ मैं वेटेज, ये परसेंटेज में है सारी, 45-50% एंड 25-30% एंड 10-15% एंड अगेन 10-50%, ठीक है. इस तरीके से होगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पेपर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ CA फाउंडेशन. थैंक यू सो मच.